नमस्ते दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं वॉक पर गई थी तो वहां से मैंने 4 तस्वीरें क्लिक करी। मेरे लिए अभी तक भी मुश्किल है कि मैं कोई चीज देखूं और फिर उसको कागज पे उतार लूं, पर मैं पिक्चर क्लिक करके पेंटिंग कर पाती हूं। तो वो 4 पिक्चर्स मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी ये पूछते हुए कि मुझे इनमें से कौन सी पेंट करनी चाहिए। और मोस्टली आप सबने पहली और चौथी पिक्चर को बोला पेंट करने के लिए। चौथी पिक्चर मेरे दिल के बहुत करीब थी, मैं पहली भी पेंट करूंगी, पर चौथी पिक्चर मेरे दिल के इसलिए बहुत करीब थी क्योंकि वो मुझे काबुली वाला कहानी की याद दिला रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है काबुली वाला, आप सब उसे जानते ही होंगे, हम सबने बचपन में पढ़ी है स्कूल में। उसमें काबुली वाला गलियों में आता है, सामान बेचता है, तो वैसे एक छोटे से कार्ड पे, ब्लू कलर के कार्ड पे एक सामान बेचने वाला जा रहा था गलियों के अंदर। वो गली काफी सुंदर थी, जगह से पेंट निकल के आ रहे थे, तो मैंने उसकी पिक्चर क्लिक करी और अब मैं उसे पेंट करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा ट्यूटोरियल वीडियो जैसा बनाऊं ताकि जो देख रहे हैं वो मेरे साथ में पेंट कर सके। ये बहुत बिगनर्स टू इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल होगा क्योंकि एडवांस पेंटिंग मुझे भी अभी तक नहीं आती। मैं खुद जिन पेंटिंग चैनल से बहुत इंस्पायर होती हूँ वो रू एंड चाय नाम से एक चैनल है। वो लिटरली पार्क्स वगैरह में चले जाते हैं और फिर स्केच करने लग जाते हैं और इतनी प्यारी उनकी स्केचेस होती है, उनकी इलस्ट्रेशन इतनी क्यूट होती है। इंस्टाग्राम का मैं उनका चैनल भी लिंक करूंगी। उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी बाहर जाऊँ, घूमूँ, पिक्चर क्लिक करूँ और देखूंगी क्या मैं उसे एक रेलिक में वैसे उतार पाती हूँ कि नहीं। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद इट। हाई, सो दिस इज़ एक्चुअली द स्केच ऑफ द पेंटिंग विच आई एम गोना पेंट। इसका जो मेन पिक्चर मैंने क्लिक करी थी वो मैं बीच में स्क्रीन में डाल देती हूँ, तो आप इस पॉइंट पे इसका एक्चुअल पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यू कैन फॉलो मी अप व्हाइल आई एम पेंटिंग। सो आई एम स्टार्टिंग विद ग्रे कलर विद टोन्स ऑफ रेड इन इट ताकि वो ब्राउनिश लगे, क्योंकि सड़क पे कॉन्क्रीट का मिट्टी ज़्यादा होती है लकली यहाँ के, और बाहर की मिट्टी में मिट्टी कम कंक्रीट ज़्यादा होता है, बट लकली नॉट इन कोरबा, इसलिए मैंने सड़क बनाते हुए ब्राउनिश सा शेड देने की कोशिश करी है ब्लैक और वाइट का ग्रे में रेड कलर वगैरह मिला के। बट नाउ दैट आई लुक इनटू इट, इट इज़ लुकिंग लाइक मोर पर्पलिश देन ब्राउन, बट लेटर इट विल लुक ओके। क्योंकि बारिश हुई एंड सड़क इज़ बिट वेट, तो उसके रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए वी आर एडिंग वाइट्स इन द सेंटर ऑफ द रोड, स्मजिंग इट विथ फिंगर। Now I am adding bit of mustard brownish color to that gray in order to make the sand area beside the road, जो बगल में मिट्टी वाला इलाका होता है जो हमारा natural footpath होता है चलने के लिए, so I am making that and that also I am smudging with fingers. How does one smudge paints with brushes itself? मतलब अगर fingers से paint करना allowed नहीं होता तो शायद मैं कभी painting कर ही नहीं पाती। Now we are making the concrete of पुलिया जैसी जो नहीं होती घर के बाहर, like घर और सड़क के बीच में एक पुलिया होती है जो बगल में बहरे नाले या सुएज के ऊपर कवर करती है। सो नाउ दैट वी आर मेकिंग दैट पार्ट ऑफ द कॉन्क्रीट विद द ग्रे लिफ्ट। नाउ इट्स टाइम टू कलर द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है, विच इज़ ऑरिजिनली स्काई ब्लू इन कलर, बट बिकॉज ऑफ रेन यूल सी लेटर कि उसमें पूरी काई जम चुकी है। तो नाउ वी जस्ट स्टार्ट विद द बेस लाइट ब्लू कलर से पेंटिंग के एक बिल्डिंग की एक आउटलाइन जैसी ड्रॉ करते हुए। आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ हाउसेज इन बालको कॉलोनी। सो बालको इज़ अ मतलब वॉज अ पब्लिक कॉलोनी, पब्लिक फर्म वेरी अर्ली इन 90s। अब उसका बस 41% शेयर सरकारी और बाकी वेदांता को है। And what was the good part about it is कि सब
सबको, जितने भी लोग बारको की टाउनशिप में रह रहे होते थे, सबको बराबर सड़कें थी, सबको बराबर सबके हिस्से में पेड़ पौधे थे, हर किसी को एक ही हॉस्पिटल था, एक ही स्कूल्स में बच्चे हो रहे पढ़ रहे होते थे, विच इज़। अब जब हम देखते हैं कि गेटेड सोसाइटीज़ अलग अलग जगहों पे बन रही है, तो हमें समझ में आता है कि अगर आप थोड़े से भी गरीब हो किसी बाहर के शहर में, तो आपको ऐसे पेड़ छूने भी नहीं देंगे वो। यहाँ भी ऐसा नहीं था, जब हम पले बड़े तो हम सब एक ही टाइप के स्कूल में जा रहे होते थे, सबको एक ही हस्पताल थे। हालाँकि अब वो चेंज हो चुका है बहुत हद तक, जब से ये प्राइवेट हो गई है, वेदांता ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया बालकों के ऊपर। और अब मैंने बिल्डिंग्स के ऊपर काई बना दी, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है तब समझ नहीं आता कि घर कहाँ ख़त्म हो रहा है, पेड़ कहाँ चालू हो रहे हैं, हर चीज़ ग्रीन हो जाती है। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द ट्रीज। ट्री बनाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल, आई स्टिल डोंट नो हाउ टू पेंट अ ट्री। और मुझे ट्री बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि वो अलग अलग पत्ते दिखते ही नहीं हैं, वो ग्रीन क्लाउड जैसे दिखते होते हैं। और मुझे यहाँ पे तीन टाइप के पेड़ बनाने हैं, मतलब एक जो घर के अंदर से निकल के आ रहा है, एक जो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, और एक जो राइट साइड में ही है पेड़। तीनों के शेड्स भी अलग अलग होने हैं। एंड आई एम स्ट्रगलिंग सो मच विद मेकिंग दिस। बहुत एंड तक तो ये पेड़ एकदम ऐसे लगेंगे कि पेंटिंग ख़राब हो गई पेड़ की वजह से, बाद में जा कर के बिगिन्स टू लुक गुड। सो वॉट आई हैव डन इज, एक तरफ के पेड़ के लिए आई हैव टेकन वेरी लाइट पैरेट ग्रीन कलर, और फिर मैंने उसको लाइट टोन में ही रखा है पूरा। और दूसरे के लिए आई हैव टेकन दी डार्केस्ट शेड ऑफ ग्रीन, और उसके पूरे टोन को पेड़ के मैंने डार्क ग्रीन रखा है। एंड देन आई हैव डन दी टोनिंग और शेडिंग, ताकि मतलब कम से कम लगे कि दो अलग अलग पेड़ हैं। So this is basic first layer of the trees which is done. Now I am painting the man. See, this is what happens to me. मैंने आदमी के शर्ट को लाल रंग रंगा और फिर वो बच गया, तो मैं समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने वहाँ पर पता नहीं क्यों जाके दीवार में लाल कलर कर दिया, जो कि मैंने बिगाड़ किया है, जो मैं बाद में कवर अप करूँगी। सो आई एम सो चीप, मुझे लगता है कि एक बार मैंने कलर निकाल लिया तो इसको यूज़ कर ही दूँ मैं कहीं ना कहीं पेंटिंग में। आई हैव काइंड ऑफ डन द सेम थिंग विद ब्लू हेयर। मैंने ब्लू कलर से उस आदमी का पैन बनाया, एंड देन आई वॉज लाइक अब बचे हुए ब्लू कलर का क्या करूँ, बट देन इट वॉज यूज इन अ नाइस वे। फिर मैंने कोई बिगाड़ नहीं किया, दी कार्ट वॉज एक्चुअली इन ब्लू कलर एंड इट लुक्ड फाइन, इट लुक्ड गुड। नाउ आई एम हाईलाइटिंग द बिल्डिंग विद बिट ऑफ ब्लैक्स, ताकि इसकी दीवारें और सारी सीखें अलग अलग दिखाई दें। वेल सीखे नहीं एक्चुअली, सरी है द पिलर्स ऑफ द बिल्डिंग। व्हाट आई सेड अबाउट द हाउसिंग सोसाइटी ऑफ बालको अर्लियर माइट मेक मी लुक लाइक अ कॉमी, कि एक जैसी सोसाइटी हो, सब एक जैसे रहे, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज़। आई डू नॉट बिलीव इन कम्युनिज्म एट ऑल, बट येस आई डू बिलीव इन इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच द गेटेड सोसाइटी हैज़ फेल्ड अस कम्प्लीटली। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फिनिशिंग टचेस ऑफ द ट्री। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ कि जो मैंने डार्क ग्रीन पेड़ बनाया है, उस पर मैं लाइट ग्रीन से लीव्स बना रही हूँ, और मैं अपने लाइट ग्रीन पेड़ पे डार्क ग्रीन से लीव्स बनाऊँगी, मतलब एक एक लीफ को ड्रॉ करने जैसी कोशिश करूँगी। बहुत आखिर तक, मतलब आफ्टर दिस पॉइंट आई वॉज कन्विंस्ड कि मैंने ये पेंटिंग दोनों पेड़ों की वजह से बिगाड़ लिया, एंड इट्स नॉट गोन लुक गुड। तो मैंने कुछ आधा घंटा तो सिर्फ एक एक पेड़ को ही दिया है, ताकि मतलब पेड़ वॉज दी सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस स्ट्रीट ना, कि कितनी हरी भरी स्ट्रीट है, एंड इट हैड टू लुक गुड। एंड नाउ द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री इज बिगनिंग टू लुक बिट बेटर, एटलीस्ट लाइक अ ट्री। I have taken the finest of the brush I had. I am literally stroking each leaf in the tree. Dark color से ऐसे छोटे छोटे stroke बना के एक एक पत्ती में बनाना चाह रही हूँ। With the yellow I am highlighting over the dark parts of that tree.
Now I'm like, now it's looking little realistic. At least the left side of the tree is, the tree in which I'm working, वो कम से कम कुछ कुछ पेड़ जैसा दिखने लगा है. अब डार्क डार्क ग्रीन वाले पेड़ पे मैं लाइट ग्रीन और वाइट कलर से लीव्स और उसकी हाईलाइट बनाऊंगी. सो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ वाइट एंड वेरी लिटिल येलो, जिससे मैं दिखा रही हूँ कि लीव्स कैसे स्पार्कल कर रही है सनलाइट पड़ने पे, और एक पेड़ जैसा लुक दे रही हूँ उस पेड़ को. दिस इज़ हाउ आई पेंटेड ईच एंड एवरी लीफ व्हेन आई It took like an eternity to just get over with the trees. But now it's looking better. Abhi bits trunk bana dungi to it will look just good. Now I'm light adding bit of the light shades to the building. Kyunki ye paint karte hue mujhe aisa laga ki maine kuch zyada hi kai bana di hai and it is looking very much dark, so I thought that I would like add bit whites to the building. This tree is gonna take forever. With the cart, I was for the very long time perplexed ki uske andar main kaise dikhaun ki saman hai. बिकॉज मैंने उसको वाइट ही छोड़ दिया, लाइक द कैनवस वाइट, और मुझे लग रहा था कि मतलब पीछे की सड़क तो नहीं दिखेगी और वो मैं पेंट करूँगी कैसे. आखिर में मैंने उसमें ब्लैक सेट करके इट टर्नड आउट फाइन. बचपन में जैसे क्रेयॉन से पूरी ड्राइंग वगैरह बना करके ब्लैक स्केच पेन से हर चीज़ की आउटलाइनिंग नहीं कर देते होते हैं, आई कैन सी माई सेल्फ डूइंग दैट विद दिस पेंटिंग राइट नाउ. मैं ब्लैक बचे कलर से आई एम जस्ट मेकिंग आउटलाइंस टू द बिल्डिंग. At this point, I'm just adding finishing touches to the painting. अभी बस ट्रंक पेंट करने के लिए रह गई है. And rest the painting is painting has come out pretty fine. It's looking nice. It's looking nice to me. What do you think? At what point should I stop with the trees? मतलब कब मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि अब मैं इससे जितना अच्छा कर सकती थी मैंने कर दिया है और इसके आगे मैं कुछ भी करूँगी बिगाड़ ही होने वाला है. Because I do not realize when to stop. उसको करेक्ट करने और फिर दोबारा एक स्ट्रोक और डालने और फिर दोबारा एक स्ट्रोक और डालने से अक्सर तो ऐसा होता है कि मैं अच्छी खासी बनाई पेंटिंग को बिगाड़ देती हूँ उसको करेक्ट करने के चक्कर में. हालांकि इसके साथ ऐसा हुआ नहीं. सो फॉर मेकिंग द ट्रंक आई हैव फर्स्ट एडेड वेरी लाइट येलोइश मस्टर्ड कलर और फिर उसके बाद आई हैव एडेड ब्लैक टू इट. Yes. So it's mostly done. At this point, I posted a story on Instagram. Am I done or should I paint it more? And a lot of you said that I should probably give a few more finishing touches. So फिर मैं वही कर रही हूँ कि क्या क्या और किया जा सकता है. So I'm adding more black to the trunk. I'm just basically making this painting more bright by adding blacks and yellows, more contrast colors. So finally my painting is done and oh my god it's looking pretty. For the longest time I struggled with its tree और मुझे लगा कि मुझसे पेड़ नहीं बनने वाले और इन पेड़ों की वजह से पेंटिंग बिगाड़ हो जाएगी पूरी. But finally I was able to pull it off और it is looking pretty fine. It is at least looking like trees, which is like a big feat for me. So do tell me if you enjoyed watching this video, if you were able to follow it, if you were able to paint with me. Also, if you would want me to add more tips in it, like if you want me to make it more tutorialish, I'll do that from next time.
Until then, bye. Also, we are reaching really close to my first 5k subscribers and I'm really excited about it. So if you like this video, if you enjoyed it thoroughly and if you are still with me, do subscribe to my channel and share this video with whomever painting enthusiast you have in your friend circle or anyone, any child of yours you will want to paint. Until then, bye.